हाय फ्रेंड्स, आप सब थंबनेल को देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो देखिए, ऊपर लाइन में स्टोरी कार्ड लिखा है। स्टोरी कार्ड जो है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, जो है एजुकेशन के लिए बनाया गया है और इसको मायरा कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, को इसको मदद कर रहा है, हम सबको मदद कर रहा है कि इस स्टोरी कार्ड बनाने का जो भी बेनिफिट हमको मिले तो अच्छी बात है। कि जो भी है मायरा कंसल्टेंसी सॉल्यूशन जो अच्छा काम किया है, एमसीएस पॉइंट ने जो अच्छा काम किया है, हमारा बहुत से परिवार है उसको डिपेंड करता है कि ऐसा कुछ इंश्योरेंस मिले या पढ़ाने लिखने के लिए कुछ पैसा कम पड़ जाता है तो उसमें कुछ मदद मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज समझाने वाला हूँ बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप, कि उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, पहला ऑप्शन पे लिखा हुआ है पेरेंट विल गेट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अप टू 2 लाख फ्रॉम PMSBY। तो देखिए, पेरेंट को जो है कि 2 लाख का बेनिफिट मिल सकता है, कुछ एक्सीडेंटल हो जाए, भगवान ना करे कि किसी को एक्सीडेंटल हो जाए, बट एक्सीडेंटल हो जाए तो 2 लाख का जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा ऑप्शन देखिए कि स्टूडेंट विल गेट डिस्काउंट फ्रॉम 10% टू 50%। तो इसमें क्या है कि जो भी बेनिफिट मिलने वाला है तो इसमें एजुकेशन पर्पज के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें धार्य किया गया है कि 10% तो मिनिमम सबको मिलने वाला है और जिसका रिजल्ट ठीक है, कुछ परसेंटेज ज़्यादा है, तो उसको 50% तक भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए 50% तक कैसे मिला, तो आपका जो प्लस टू में एडमिशन किया तो आपका 1 लाख रुपया लग रहा है, तो उसमें 50% तक आपका रिजल्ट ठीक है, आपका जो परसेंटेज ठीक रहेगा, तो आपको 50% तक आपको मदद कंपनी ने करेगा। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है जनरल स्टोरी कार्ड एट एनी एज नो लिमिट। देखिए, इसमें 5 साल के ऊपर से ही हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो 5 साल के ऊपर से ही आपको जो है कि कंपनी ने कुछ भी बेनिफिट हमको 5 साल के ऊपर से ही मिलेगा, बट लाइफ टाइम तक मिलेगा। आप जितना तक पढ़ाई करते हैं उसका कुछ एज लिमिट नहीं है कि आपको 45 साल हो गया इस स्टडी कार्ड में भाग नहीं ले सकते हो, या आपको 60 साल हो गया इस स्टडी कार्ड में भाग नहीं ले सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो है कि आपका एज लिमिट कुछ भी नहीं है, 18 साल हो, 22 साल हो, 25 साल हो या 50 साल भी हो, आप ये स्टडी कार्ड बना सकते हो। ये चौथा ऑप्शन में जो लिखा हुआ है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो वैलिडिटी ऑफ द कार्ड इज लाइफ टाइम, इस कार्ड का कुछ वैलिड ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, वो जो है कि लाइफ टाइम तक, एक बार आपने कार्ड बना लिया तो लाइफ टाइम तक आपको साथ देते रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस कार्ड को आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें। तो चलते हैं हम लोग पांचवा ऑप्शन की तरफ से। तो देखिए, कार्ड कैन बी यूज एट मल्टीप्लाई टाइम्स। देखिए, कुछ ऐसा रूल रहता है गवर्नमेंट का या कुछ कंपनी का कि, और उसका जो लिमिट रहता है 3 साल में एक बार बना लिया और दूसरी बार बना नहीं सकते हो, ये सब होता है। इसका कुछ ये नहीं है, ऑटोमेटिकली ये मल्टीप्लाई होते जाएगा, आपका रिन्यूअल होते जाएगा, कार्ड एक टाइम बनाया तो लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा। चलते हैं छठवा ऑप्शन के तरफ से। तो अप्लाई फॉर फैसिलिटी वे फॉर 45 डेज ऑफ एडमिशन। तो देखिए, इसमें जो है कि आपका जब एडमिशन का टाइम हो गया, मैट्रिक क्लास से हम लोग जब प्लस टू क्लास की तरफ से चलते हैं तो इसमें एडमिशन करना पड़ता है, तो एडमिशन का 45 दिन पहले आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें कुछ कंपनी की तरफ से वेरीफाई कर सकते हैं, इसीलिए 45 दिन पहले से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई कहाँ करना पड़ेगा, जो आप जहाँ पे एमसीएस पॉइंट खुला है हुआ था कि आप लोग जो स्टडी कार्ड बनाया था उसमें एमसीएस पॉइंट का जितना भी एजेंट है, कर्मचारी है, उनके पास जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सातवां ऑप्शन में लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स शुड बी ए स्टूडेंट फ्रॉम पुअर एंड वेनरेबल फैमिली। जो है कि हम लोग जो मिडिल क्लास का, जो स्मॉल क्लास का फैमिली होते हैं, तो हमारे लिए बेनिफिट है, वो लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आठवां ऑप्शन पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आठवां ऑप्शन पे जो लिखा हुआ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए, द डोनर शुड बी मोर देन 18 इयर्स ऑफ एज। देखिए, हम लोग जब भी 18 साल का नहीं हो जाते तो हमारे हाथ में कुछ भी पूंजी नहीं रहता है, तब हम कंपनी को कैसे हम 300 रुपया का डोनर कर सकते हैं। तो जो भी आपका पेरेंट्स रहेगा तो वो तो डोनर करेगा, तो उसके ऊपर जो भी है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का 2 लाख का जो भी बेनिफिट उसको मिलने वाला है। क्या है कि मान लो किसी में
18 साल के ऊपर, इसमें तो एज लिमिट है ही नहीं, तो 18 साल के ऊपर जब आप लोग स्टडी कार्ड बना रहे हैं तो आप खुद डोनर करेंगे तो आपके ऊपर एक्सीडेंटल बेनिफिट 2 लाख का रहेगा, नहीं तो आपके पेरेंट्स के ऊपर ही इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए हम लोग नवा ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। स्टडी कार्ड फॉर स्टूडेंट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो इस स्टडी कार्ड बनाने के लिए आपको एब्सोल्युटली फ्री है, आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा, बट आपको डोनेट करने के लिए इस कंपनी में जो स्टडी कार्ड बना रहे हैं तो उसको डोनेट करने के लिए 300 रुपया सिर्फ लग सकता है और आपको स्टडी कार्ड बनाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। और 10वां ऑप्शन पे तो लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई के लिए। जब अप्लाई करेंगे तो उसमें टर्म एंड कंडीशन आपको कंपनी का जो भी टर्म एंड कंडीशन वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो फ्रेंड इतने सारे बेनिफिट हमको मिलने वाला है तो इस चीज़ को हम कभी भी नहीं छोड़ने का है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेने का है। मैं भी अप्लाई कर लिया हूँ फ्रेंड, आप भी अप्लाई कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप किसी के मन में जो संदेह का अभाव आता होगा कि कंपनी कैसा है, क्या ऐसा हो सकता है, इतने कम पैसा में इतना बेनिफिट मिल सकता है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपनी का एविडेंस सबमिट करने वाला हूं और जो लीगल है या अनलीगल है उसका सारे प्रूफ आपको देने वाला हूं, डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने वाला हूं और आप कैसे डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स मैं अभी विदा लेता हूं मनोज भाई, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।